दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने इतना खराब प्रदर्शन करके दिखाया कि सेमीफाइनल से पहले ही भारतीय टीम की घर वापसी का टिकट कट गया, जिसके बाद सभी खिलाड़ी एक एक करके भारत वापस लौट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत के साथ एयरपोर्ट पर ऐसी शर्मनाक हरकत का अंजाम किया गया जिसे देखकर तो आपका भी खून खौल जाएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की हार से भड़के फैंस ने भारत लौटते हुए खिलाड़ियों के साथ ऐसी बदसलूकी करना शुरू कर दी है जिससे पूरा माहौल खराब हो चुका है। ऐसे में पंत भी उनका शिकार हो गए। अब भारत के इस विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ ऐसा क्या हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और ऋषभ पंत में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से जिस तरीके की प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही थी, इसके ठीक उलट टीम इंडिया ने ऐसा खराब खेल दिखाया कि ग्रुप स्टेज में ही भारतीय टीम का सफर समाप्त हो गया। और जहां टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, उसी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दो बड़े मुकाबले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया, जहां ना तो भारत की गेंदबाजी चली और ना ही बल्लेबाजी, जिसके बाद भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। दोस्तों, फैंस इतने ज्यादा भड़के हुए थे कि गुस्से में आकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी खिलाड़ियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जहां तक बात ऋषभ पंत की जाए तो उन्हें भारतीय टीम का एक्स फैक्टर भी बताया जा रहा था और उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मुकाबले को जिताने में कामयाब होंगे। पर पंत का बल्ला सिर्फ पाकिस्तान वाले मुकाबले में चला, लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम को उनकी जरूरत थी तो वो अपना विकेट फेंक कर बीच मझधार में ही साथी खिलाड़ियों को छोड़कर चले गए। दोस्तों, पंत का बेखौफ अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, पर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नेचर के विरुद्ध जाकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पूरा खामियाजा टीम को भुगतना पड़ गया, जिसके बाद फैंस में पंत को लेकर काफी गुस्सा था। पर दोस्तों, किसी को ये नहीं पता था कि भारत कदम रखते ही फैंस पंत के साथ इतना गंदा बर्ताव करेंगे। दरअसल दोस्तों, पंत जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान कुछ फैंस ने वहां खड़े होकर हूटिंग शुरू कर दी और कई ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जिसकी उम्मीद तो पंत ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोगों ने तो उन्हें घेरने की भी कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम ने उन्हें किसी तरह वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद पंत अपने घर के लिए रवाना हुए। दोस्तों, बेशक टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में काफी खराब खेला है, लेकिन लोगों के द्वारा इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी नाजायज है और ऐसे लोगों को अपने आप को भारतीय क्रिकेट टीम का फैंस कहना शोभा भी नहीं देता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले से अपने आलोचकों को करारा जवाब दे पाएंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।